हेलो एवरीवन वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी आई एम निवेदिता राजे आज के केस में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट uh, को पढ़ने वाले हैं केस का नाम है जयचंद्रन वर्सेस येसुरंथनम तो एविडेंस के कुछ प्रिंसिपल्स और टीपीए के कुछ प्रिंसिपल्स से मिलके ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है तो केस में हुआ क्या कि जयचंद्रन नाम के एक व्यक्ति का अफेयर हुआ एक लेडी मार्गरेट के साथ जयचंद्रन पहले से शादीशुदा थे स्टेला के साथ उनकी शादी हो रखी थी ऑल्सो का कहना था कि उसने किसी कस्टमरी रिचुअल को फॉलो करते हुए अपनी पहली वाइफ स्टेला को डिवोर्स दे दिया है राइट right? लेकिन वो डिवोर्स इंडियन डिवोर्स एक्ट में रेकग्नाइज कहीं नहीं है इंडियन डिवोर्स एक्ट उन लोगों पे लगती है जिन पे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ नहीं लगता जैसे कि क्रिश्चन्स रास्ट्रिय जूस पारसीज इन सब लोगों पे इंडियन डिवोर्स एक्ट लगता है अब इंडियन डिवोर्स एक्ट में एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसे फॉलो करके आप डिवोर्स दे सकते हैं दर इज अ कंप्लीट जुडिशल प्रोसेस ये जयचंद्रन डिड नॉट रियली फॉलो इट बट स्टार्टेड लिविंग विद मार्गरेट एनी अब ऐसा होता है कि 2010 के आसपास ही टेक्स दिस वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड में उन्हें एक हाउसिंग साइट अलॉट होती है उस हाउसिंग सा, साइट आई एम सॉरी उस हाउसिंग साइट पे एक एग्जीक्यूशन डीट को या सेटलमेंट डीट को वह एग्जीक्यूट करके उसके ओनरशिप मार्गरेट के नाम पे ट्रांसफर कर देता है ठीक है अब इस तरह के ट्रांसफर को हम गिफ्ट कहते हैं

प्रॉपर्टी को वॉलंटेरली किसी और के नाम ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके बदले उससे कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के उसके नाम पे आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग इट बाय फॉलोइंग अ प्रॉपर प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मतलब आपको उस इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा राइट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड वॉलेंटेरली यू आर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल द फैक्टर्स दैट मे विशिएट कंसेंट बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल अ कॉन्ट्रैक्ट तो इन फैक्टर्स की गैर मौजूदगी वॉलटेरिनेस का एक एलिमेंट इन और द फैक्ट दैट द इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्यूली रजिस्टर्ड अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो कंसिडरेशन के ना होने पर भी गिफ्ट डीट कंप्लीटली वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है एक बार ये डीट कंप्लीट हो गई वंस अ गिफ्ट इज कम्पलीटेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ट इट इज एन ट्रांसफर अब ये जो ट्रांसफर था जो जयचंद्रन से मार्गरेट की तरफ गया ये गिफ्ट ही था ठीक सब कुछ सही ही है इट्स इस तरह के सिग्निफिकेंट स्टेप्स ले ही सकते हैं 2013 में अनफॉर्चुनेटली मार्गरेट की डेथ हो गई राइट और मार्गरेट की डेथ के तुरंत बाद जयचंद्रन ने यूनिलैटरली उस गिफ्ट डीट को या उस सेटलमेंट डीट को कैंसिल करने की कोशिश की वो कैंसिलेशन हो सकता था अगर मार्गरेट जिंदा होती बट क्योंकि मार्गरेट मर चुकी थी और उनकी गैर मौजूदगी में इस सेटलमेंट डेट को कैंसिल करने की कोशिश की जा रही थी तो इसकी लीगलिटी पर सवाल उठ गए अब आता है पूरी कहानी का ट्विस्ट रंथनम जो कि मार्गरेट के फादर थे इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी लेडी बिना हस्बैंड और चिल्ड्रन के मर जाती है तो उसके नाम की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो उसके पेरेंट्स के पास फादर और मदर हुए शी इज बीइंग सर्वाइव्ड बाय उनके पास चली जाती है ये सुर अंतनम का कहना था कि क्योंकि मार्गरेट हैज़ डाइड विदाउट लिविंग एनी एयर व्हाट्सर ये प्रॉपर्टी उस लॉ के तहत फादर के पास आनी चाहिए जयचंद्रन ने इस चीज को चैलेंज कर दिया ये कहते हुए कि भाई बाई कंडक्ट वर मैरिड कस्टमरी तरह से उन्होंने अपनी वाइफ स्टेला को डिवोर्स दिया भी था जितने भी बेनिफिट्स होते क्योंकि मार्गरेट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि पेंशन ग्रेचुटी वेरियस बेनिफिट्स दैट पर्सन अक्रूज बींग अ गवर्नमेंट सर्वेंट उसमें आप सब आप नॉमिनी बनाते हो कुछ लोगों को सो इन केस यू डाई द अदर पर्सन वुड रिसीव द बेनिफिट राइट तो अब इन सारे सारे बेनिफिट्स के लिए उन्होंने जयचंद्रन को नॉमिनेट कर रखा था राइट right? जो गिफ्ट डीट एग्जीक्यूट की गई थी उसमें जयचंद्रन ने मार्गरेट को अपनी वाइफ रेफर कर रखा था जिस तरह से वो लोग रह रहे थे उनके कंडक्ट से लगता था कि वो हस्बैंड वाइफ ही हैं दे यूज टू लिव टूगेदर नॉट एज लिव इन कपल बट प्रॉपरली एज हजब एंड वाइफ जयचंद्रन ने यह भी कहा कि मैं सालों से अपनी पुरानी फैमिली के साथ टच में नहीं हूं तो बाय कंडक्ट हमारे लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज रिकग्नाइज करना आपको चाहिए एंड एनी वे मार्गरेट चाहती थी कि वो जो प्रॉपर्टी मैंने उसको दी है वो मेरे पास या मेरे बच्चों के पास ही रहे अब इसका कोई प्रूफ जयचंद्रन के पास नहीं था क्वेश्चन इज वोर्ट रेकग्नाइज दिस रिलेशनशिप एज अ प्रॉपर मैरिज बिकॉज इफ मैरिज इज बींग रेकग्नाइज और एक्नोलेज द इंटायर स्टोरी चेंजेस फिर प्रॉपर्टी का एक्चुअल लीगल एयर येसू रंथेनम नहीं है जयचंद्रन है तो क्वेश्चन यही था पूरे केस का जो असल मसला था वो यही था कि कैन अ लिव इन रिलेशनशिप बी रेकोगनाइज एज अ मैरिज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज बहुत सारे केसेस में हमने देखा है लेटेस्ट जजमेंट्स हैं डेवेलपमेंट्स हैं जहाँ पे लिविन रिलेशनशिप्स को मैरिज नहीं भी माना गया है तो मैरिज से कम भी नहीं माना गया फॉर एग्जाम्पल लिविन कपल को कुछ एक्ट्स के बेनिफिट मिलते हैं जो कि पहले सिर्फ मैरिड कपल्स को मिला करते थे फॉर एग्जाम्पल डी वी एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी एक डोमेस्टिक सेटअप है इसलिए अगर इस सेटअप में मैरिड कपल ना होते हुए एक नॉर्मल कपल होते हुए भी आप एक दूसरे पर किसी तरह की क्रूल्टी या वायलेंस एग्जर्ट कर रहे हैं तो सामने वाला शिकायत कर सकता है और डोमेस्टिक वायलेंस में शिकायत कर सकता है बाकी जो सिर्फ मैरिज से रिलेटेड लॉज हैं जैसे 498 नाइन्टी ए आई में हुआ करता था और डाउरी वगैरह ये सब मैरिज से ही निकले हुए कंसेप्ट हैं ये नहीं लगेंगे बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स लिव इन पार्टनर्स को मिल जाते हैं इफ़ दे हैव बिन लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो इस सिचुएशन में उनकी मैरिज उनके रिलेशनशिप को एज मैरिज रिकॉग्नाइज किया जा सकता है लेकिन इसका एक कंडीशन प्रीसीडेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं केसेस में क्लैरिफाई भी किया है प्रोवाइडेड नीदर ऑफ देम वर मैरिड बिफोर एंड इफ दे वर द मैरिज केम टू एन एंड दे डो नॉट हैव अ सब्सिस्टिंग मैरिज दैट इज़ वॉट अ मेजर कंडीशन इज ठीक है अब इंडियन डिवोर्स एक्ट जो है वो ये भी कहता है कि अगर आपने अपनी बिना डिवोर्स के आप किसी के साथ रहने लग गए हैं तो आपकी नेक्स्ट जो शा जो रिलेशनशिप है वो मैरिज नहीं होगी अगर आपने शादी के दौरान किसी और से शादी कर ली तो नेक्स्ट जो सेकेंड मैरिज है वो भी अवॉइड होगी ठीक है तो इंडियन मैरिज एक्ट बेसिकली बायमी को एगनॉलेज करता है और उसे एक लीगल स्टैटस नहीं देता ओके okay? अब यहां पे क्वेश्चन लाइक आई साइड यही है कि क्या इलेवन रिलेशनशिप मैरिज है सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा था अब ये नए लॉ में जो बी एस ए है भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसमें ये 119 है तो आप इसे याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो नया सेक्शन याद रखिएगा जो 114 हुआ करता था वो अब 119 है तो 114 बेसिकली कोर्ट को डिस्क्रेशन देता है कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स पे अराइव करने का फॉर एग्जाम्पल लेट्स कि आपका एक नेफ्यू है ठीक है और आप ऑफिस से घर आते हैं या स्कूल से घर आते हैं आप देखते हैं कि दीवार पर पूरी की पूरी स्केच पेन से स्क्रिबलिंग हुई हुई है आप थोड़ा सा आगे जाते हैं आप देखते हैं कि उसके हाथ में दो एक स्केच भी हैं उसके चेहरे पर हाथों पर स्केच पेन के मार्क्स बने हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे आप लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं कि दीवार को रंगने वाला पिकासो ही आपका नेफ्यू ही था है ना उससे पूछने की जरूरत नहीं किसी से कन्फर्म करने की जरूरत नहीं ये होते हैं लॉजिकल प्रजम्पन्स तो सर्कमस्टांसिस को समझ के फैक्ट्स को एनालाइज करके प्रेजेंट कोर्स ऑफ थिंग्स को डिटरमाइन करके कोर्ट्स कुछ लॉजिकल कंक्लूजनस पे पहुंचता है और इन लॉजिकल को कोर्ट एज प्रशन होल्ड कर सकता है टू अंडरस्टैंड और टू गिव अ प्रॉपर एडजुडिकेशन इन अ गिवन केस फॉर एग्जाम्पल लेट से एक और एग्जाम्पल लेते हैं लेट से कि बैंक में चोरी हुई और चोरी हुए पर्टिकुलर सामान जो थे उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर लिया अथॉरिटीज ने वो सारा का सारा का सामान एक आदमी के घर में रॉबरी के बाद मिला अब उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसके घर में चोरी का सामान था तो ये लॉजिकली डिराइव किया जा सकता है कि उसका हाथ कहीं ना कहीं उस रॉबरी में चोरी नहीं रॉबरी में शामिल था उसका मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट था किसी तरह से राइट right, सो so, uh, कई बार एविडेंसेस के ना होने पर भी कुछ चीजों को लॉजिकली आप होल्ड कर सकते हैं ये केस को आगे बढ़ने में मदद करता है ये पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रजाम्पन्स जो है ठीक है क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स सिग्निफिकेंट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हो पाते आपको सरकमस्टांशल एविडेंसेस पर ही रिलाई करना पड़ता है फैक्ट्स पर ही रिलाई करना पड़ता है और ये प्रेजाम्शन इन फैक्ट्स को डिटरमाइन करने में सर्कमस्टांशियल एविडेंस को क्लैरिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन यही था मतलब कि 114 के मुताबिक क्या इससे वैलिडली प्रिज्यूम किया जा सकता है कि इनकी शादी हो चुकी है अब अगर यही बात कोर्ट का कहना है कि अगर यही बात हम आज से 20 साल 30 साल पहले करें जहां पे लिविंग आउट ऑफ वेडलॉग वाज नॉट अ कॉमन थिंग और लोगों में अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि शादी के बिना एक दूसरे के साथ रहने लग जाए है ना तो उस टाइम पे अगर कोई साथ रह रहा है तो सोसाइटी लोग मानते थे कि शादी हो गई होगी वरना साथ कैसे रह सकते हैं है ना आजकल के टाइम पे लिविंग रिले, लिव इन रिलेशनशिप एक बेहद कॉमन प्रैक्टिस है और लोग Immediately they do not jump to a conclusion कि आप अगर किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ रह रहे हो तो वो आपका स्पाउस ही होगा है ना ये जरूरी हरगिज नहीं होता इसलिए आज के टाइम को समझते हुए प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को एनालाइज करते हुए इस एरा में ये प्रिज्यूम करना सही नहीं है दैट अ कपल लिविंग टुगेदर वुड नेसेसरली बी अ मैरिड कपल ऑल्सो कंडक्ट से फर्क नहीं पड़ता है लॉ ही आपकी शादी को मैरिज रेकोगनाइज नहीं कर रहा है यू आर लिविंग विद अनादर पर्सन इन अ रिलेशनशिप बट यू आर नॉट वैलिडली मैरिड टू अ पर्सन एज एविडेंस्ड बाई एवरी वन लिविंग नियर यू वो छोटा सा ताल्लुक था जिसमें वो रह रहे थे पूरे कॉलोनी uh, पूरे एरिया को पता था कि जयचंद्रन पहले से शादीशुदा है उसके बच्चे भी एंड मार्गरेट एंड दे आर लिविंग इन एज अ कपल नॉट एज अ मैरिड कपल ठीक है ये सबको पता था सो इट इज़ अ वेरी कॉमन नॉलेज कि आप अपने दिमाग में आप कुछ भी मान लें यू कैन प्रिज्यूम एनी थिंग यू वॉन्ट इन साइड योर हैड लॉ डज नॉट गिव इट अ रेकग्नेशन अनटिल इट एक्चुअली इकनॉलेज इज इट और कोई भी ऐसा आपने स्टेप नहीं लिया है जिससे आपकी शादी को वैलिडली रेकग्नाइज किया जा सके राइट इवन द सोसाइटी डज नॉट सी यू एज अ हजबैंड एंड वाइफ इंडियन डिवोर्स एक्ट और जितने भी लॉज हैं जो आपकी शादी को वैलिडिटी दे सकते थे वो आपकी शादी को वैलिडिटी नहीं दे रहे और इस वजह से जयचंद्रन को हस्बैंड नहीं माना गया मार्गरेट का एंड द प्रॉपर्टी वाज वाज टू ओनली। डिक्लेयर्ड एज अ प्रॉपर लीगल एयर ऑफ मार्गरेट सो दिस इज द केस हंड्रेड एंड फोर्टीन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है से, से क्वेश्चन आता है तो वो आप इस लेटेस्ट 2024 के केस को बड़े आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं द फैक्ट कि गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता द फैक्ट कि गिफ्ट पूरी तरह से वैलिड है और आदमी के मरने के बाद भी वो वैलिड रहता है अगर आदमी मर गया तो वो गिफ्ट उसी की ऑर्डनरी प्रॉपर्टी जो उसने खुद एक्वायर करी थी उसी तरह से फंक्शन करेगा और उसके लीगल एयर्स पर डिवॉल्व करेगा क्लास वन क्लास टू विच एवर रिलीजन दैट पर्सन कम्स फ्रॉम उनका सक्सेशन एक्ट उन पर लगेगा प्रॉपर्टीर्ड एज गिफ्ट ठीक है That's it for today. I sincerely hope कि आपको इस केस के बारे में जो कुछ भी था वो समझ आ गया है इस केस को किस तरह से आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे वो भी आप समझ गए ठीक है चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस राइट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग ये सुरंथनम ने फाइल सीकिंग डेक्लेन ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम बी जयचंद्रन बिकॉज यू बिलीव दट एक्चुअल एयर ऑफ द प्रॉपर्टी विच वॉज हेल्ड ट्रू ऑलो राइट सर्विस रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए गए जहाँ पे मार्गरेट ने जयचंद्रन को एज असबेंड नॉमिनेट किया था बट प्लेटिफ आर्ग्यूड की डिफेंडेंट और मार्गरेट सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी क्योंकि डिफेंडेंट की मैरिज स्टेला के साथ सब्सिस्ट कर रही थी और उन्होंने प्रॉपरली डिवोर्स नहीं लिया था ओके द ट्रायल कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ प्लेनिफ आगे भी हाई कोर्ट में भी जो रूलिंग थी वो plaintiff के फेवर में ही आई सॉरी रिस्पॉन्डेंट के फेवर में आई दीज आर द सेक्शन दैट आर इन्वॉल्व सेक्शन हंड्रेड एंड फोर्टीन ऑफ इंडियन एविडेंस विच इज हंड्रेड एंड नाइनटीन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बी एस ए हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू ऑफ टीपी इंडियन सक्सेशन एक्ट, एक्ट, एक्ट मैरिज डिवोर्स ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी एग्जाम मतलब ना प्री ना मेंस. तो इसलिए मैंने ये नहीं डिटेल में डिस्कस नहीं किया है अपनी जनरल नॉलेज के लिए अगर आप करना चाहें तो योर कॉल कंप्लीटली कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलेशनशिप्स मैरिटल और इन रिलेशनशिप के बीच में एक डिस्टिंक्शन को लाया गया इट वॉज ऑब्जर्व लीगल मैरिज कि आप अपने दिमाग में कुछ भी सोच लें वो शादी तब तक शादी नहीं जब तक उसे लॉ रेकग्नाइज नहीं करता ठीक है लीगल मैरिज वर्सेज लिव इन रिलेशनशिप को क्लैरिफाई किया गया था इंदिरा शर्मा वर्सेज वी के वी शर्मा में जहाँ पे कोर्ट ने नोट किया कि अगर लिव इन रिलेशनशिप प्योरली एन अरेंजमेंट बिटवीन द पार्टीज़ इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं है पब्लिसिटी नहीं है एक्सक्लूसिविटी है मैरिज की Uh, तो वो लीगली वैलिड मैरिटल रिलेशनशिप मानी जा सकती है ये भी मैंने आपको बताया कि अगर एक्सक्लूसिविटी है मतलब स्पाउस नहीं है कोई एग्जिस्टिंग या फिर वो दे आर यू नो एक्चुअली कमिटेड टू वन अनदर दे आर लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी इनवैलिड नहीं हो रहा है द रिलेशनशिप इन इट्सल्फ इज क्वाइट लीगल देर इज़ नथिंग इन लीगल गोइंग ऑन और क्योंकि वो uh, साथ में रह रहे हैं हस्बैंड खुद को कर रहे हैं तो उस रिलेशनशिप को एक मैरिटल रिलेशनशिप माना जा सकता है फॉर वेरियस बेनिफिट्स एंड ठीक है इंटेंशनल टोर्ट ऑफ इंटरफेरेंस कोर्ट स्टेटेड दैट बाय एंटरिंग अ लिव इन रिलेशनशिप मार्गरेट मैरिड टू विद सॉरी जयचंद्रन एक्चुअली टू स्टेला committed an intentional tort of interference in the marital relationship ab kyunki torts se ek recognized ya fir codified law nahi hai hamare country mein to तो, uh, tortious liabilities ko itna acknowledge nahi kiya ja sakta matlab kiya jata nahi hai ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते बिल्कुल कर सकते हैं We have an entire CPC, कुछ torts recognized भी हैं right? लेकिन ये इसको लेकर अगर जयचंद्रन मतलब इसको लेकर अगर स्टेला चाहती क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन स्टेला के पास ही था तो इफ स्टेला वॉन्टेड है सूट राइट कोर्ट के पास इतनी इनहेरेंट पावर्स होती हैं कि भले ही टॉर्ट इज नॉट अ कोडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ बट इट इज स्टिल प्रॉपरली रेकग्नाइज राइट विच इज वायलेटेड तो कोर्ट रेमेडी दे सकता है ठीक है ना इतना लीवे है हमारे प्रोसेस में क्राइटेरिया फॉर मैरिज लाइक रिलेशनशिप the court emphasized that not all live-in relationships can be considered relationships. for such a relationship to be treated as akin to marriage it meet must sorry it must meet certain criteria jaise ki exclusivity being otherwise qualified to marry public conduct hai na Judgment में येसुरंथनम के फेवर में judgment जजमेंट आया और जयचंद्रन के अगेंस्ट आया साफ साफ कह दिया गया कि Chandran, किसी भी लिहाज से मार्गोरेट के लीगल एयर नहीं है जो गिफ्ट दे दिया गया है इट इज कम्प्लीट इन लीगल फॉर्मैलिटीज इंड नाउ इट बिलोंग टू येम हर लीगल एयर ओके इंपॉर्टेंट केस लॉज रिलेटेड टू मैरिज इंदिरा शर्मा वर्सेज वी के वी शर्मा टू थाउजेंड थर्टीन का केस है लेट्स डू समेटिस क्वेश्चन एंड विच ईयर डिज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिलीवर द जजमेंट इन द केस ऑफ इंदिरा शर्मा वर्सेज वी के वी शर्मा ठीक है ये आप स्लाइड uh, में भी कुछ दे ही रखा है और ये बहुत मतलब ऐसे आने वाला तो सवाल नहीं है लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं आंसर आप मुझे कॉमेंट्स में लिख कर बताइएगा फॉर अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी वैलिड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाट मस्ट बी डिलीवर टू द ट्रांसफरी ठीक है तो गिफ्ट की वैलिडिटी के लिए ट्रांसफरी के पास क्या क्या डिलीवर होना जरूरी है ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सवाल है गिफ्ट के लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं विथ सेक्शन लेज डाउन स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर डिजोल्विंग अ क्रिश्चियन मैरिज बाय अ डिग्री ऑफ डिवोर्स फ्रॉम अ कंपीट कोर्ट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट वुड बी आस्ड बट अगेन लाइक आई सेड फॉर योर नॉलेज सेक यू कैन डेफिनेटली

And you can also cite this latest 2024 judgment, Jayachandran versus Yesuranthanam, which we have Examine the concept of relationships of marriage like nature under Indian law. Discuss the criteria used by the judiciary to identify such relationships with a focus on key judicial proceedings or analyze the legal rights and protections available to individuals in these relationships. पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट टू थाउजेंड फाइव इससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन डेली में आया था कुछ टाइम पहले कि इन रिलेशनशिप्स में रहने वाली लड़कियों के पास क्या क्या राइट्स हैं इन फैक्ट यू नो पीपल लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप्स टू एनी काइंड ऑफ राइट्स दैट अ मैरिड पर्सन माइट ठीक है fact, you know, in, in kind of तो ये दिस पॉज नॉट द क्वेश्चन ये एक्जैक्टली exactly, ये नहीं था लेकिन इससे मिलता जुलता था सिमिलर थिंग राइट अनदर सेट ऑफ वर्ड्स क्या क्या राइट्स होंगे ये भी वही पूछ रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के पास क्या क्या राइट्स हैं उन्हें एग्जामिन करिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इन पे आंसर जरूर बना के लिखें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले केस के साथ तब तक आप सब अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच बाय बाय